सब्सक्राइब कीजिए जीके फैक्ट्स चैनल को और बेल आइकॉन दबाए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं एडी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। धरती में लगभग कई हजार प्रकार का जीव का वास है और हर जीव अपने नेचुरल अवस्था में किसी न किसी से शिकार होता है और अपने आप को शिकार होने से बचाने में डिफेंसिंग में वो लोग एक से एक टेक्निक का यूज करता है। आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे 15 हैरतअंगेज डिफेंस टेक्निक के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द कटल फिश समुंदर का एक जीव है। कटल फिश ये डिफेंस के लिए कैमोफ्लाज का यूज करता है। ये अपने बैकग्राउंड के साथ अपना स्किन कलर बदल के उसके साथ घुल मिल जाता है। ये इसमें इतना कारगर हो गया है कि बहुत जल्दी ही अपने स्किन कलर बदल के भिन्न भिन्न बैकग्राउंड में अपने आप मिला लेता है। अपना शरीर का शेप भी चेंज कर लेता है बैकग्राउंड के साथ बढ़िया से मिलने के लिए। टेक्सास हॉर्न लिजर्ड एक टाइप का चिपकली है जो खतरा महसूस होते ही अपना दुश्मन के ऊपर खून का फुहारा फेंकता है। जब भी इसको खतरा महसूस होता है, ये आँख का नीचे का रहने वाला खून का नस के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो फट जाता है और फुहारा के आकार से खून अपने दुश्मन के शरीर के ऊपर गिरता है। इससे इसका दुश्मन भ्रमित हो जाता है और ये अपने आप को बचा लेता है ना कमाल का डिफेंस टेक्निक। स्कंक्स खरगोश जैसा छोटा एक जानवर है स्कंक्स, जो अपने डिफेंस के लिए बदबूदार केमिकल को स्प्रे करता है अपने शिकारियों के ऊपर। ये केमिकल इतना बदबूदार होता है कि इससे उसका शिकारी भ्रमित हो जाता है। कभी कभी इस केमिकल का स्प्रे से बड़े बड़े भालू भी टेम्पोरारी ब्लाइंड हो जाता है। यूरेशियन रोलर बार्स एक पक्षी है जो अपने डिफेंस के लिए शिकारियों के ऊपर ऑरेंज कलर का उल्टी कर देता है। ये उल्टी इतना बदबूदार है कि उसके शिकार को अपने टारगेट से दूर कर देता है। द स्टिक इंसेक्ट जैसा इसका नाम वैसा ही इसका आकार बिल्कुल स्टिक जैसा है, जिसके कारण ये कैमोफ्लाज के लिए माहिर है। ये अपने वातावरण के साथ इतना बढ़िया से छुप जाता है कि देख के लगेगा नहीं कि यहाँ एक इंसेक्ट है। खाली इतना ही नहीं, इसका कुछ कुछ प्रजाति तो एक जहरीला केमिकल भी स्प्रे करता है उसका शिकारी के ऊपर, जो उसका टेस्ट को ख़राब कर देता है। सी क्यूकुम्बर खतरा का महसूस होते ही सी क्यूकुम्बर अपने शरीर से एक चिपचिपी जहरीला तरल छोड़ता है। खाली इतना ही नहीं, अगर इस तरल से काम नहीं हुआ तो ये अपना सारा पेशियों का मदद से अपने पीछे से शरीर का कुछ ऑर्गन को शरीर से बाहर कर देता है, ताकि शिकारी ये समझे कि ये जीव तो मर गया है। मलेशियन एक्सप्लोडिंग एंट मलेशिया में एक विशेष प्रकार का चींटी पाया जाता है, जिसका शरीर में जहर से भरा हुआ एक ग्लैंड होता है। खतरों का महसूस होते हुए भी ये अपना पेट का प्रेशर से इस ग्लैंड को फाड़ देता है, जिससे जहर इसका दुश्मनों का शरीर में पड़ता है और यह बच जाता है। अपोसियम अपोसियम खतरा महसूस करते हुए ही अपने आप को एकदम स्थिर कर लेता है। ये ऐसा स्थिति में कई घंटा तक रहता है, तब उसका शिकारियों को लगता है कि शायद ये मर चुका है और इसको छोड़ देता है। द फ्लाइंग फिश लाइफ ऑफ पाई फिल्म में आप ये सब मछली देखे होंगे। ये अपने आप को इस तरह ढाल लिया है कि पानी के बाहर हवा में पहुंचते ही ये अपने दोनों पंख को फैला देता है और हवा में 200 मीटर तक ग्लाइड कर सकता है। ऐसे में ये अपना शिकारी से बाहर हो जाता है और लगभग 60 किलोमीटर की रफ्तार से ये उड़ सकता है 200 मीटर तक। हैगफिश को जब भी खतरा महसूस होता है, ये एक जेली जैसा सब्सटेंस छोड़ता है जो पानी के साथ मिलके पूरा जेल जैसा बन जाता है और दूसरा मछलियों का मुंह में ये अटक जाता है और वो चोक होकर सांस रुक के मर जाता है। बॉक्सर क्रैब ये एक विशेष टाइप का केकड़ा है जो अपना बड़ा वाला पैर में सी एनीमोन को रखता है। जब ये दूसरा किसी को काटता है तो काटने के साथ साथ सी एनीमोन का जहर भी उसके ऊपर असर करता है। ऐसे बड़ा बड़ा जानवर को बड़ा इजीली काबू कर देता है। द हेयरी फ्रॉग अफ्रीका महादेश हैरतअंगेज जानवरों का गढ़ है, उसमें एक है द हेयरी फ्रॉग। ये डिफेंस के लिए अपने शरीर का हड्डी को तोड़ के उससे हथियार बना लेता है। ये बात जितना हैरतअंगेज है उतना ही सच है। जब भी इसके ऊपर कोई अटैक करता है तो ये अपना पीछे का फिंगर का टो को तोड़ के हड्डी के अगेंस्ट में उसको बाहर कर देता है, ताकि उसका क्लो ज़्यादा तेज लगे। द बॉम्बार्डियन बीटल छोटा सा इस बीटल को अगर आप छेड़ेंगे तो ये अपना पीछे से बहुत जहरीला केमिकल आपके ऊपर स्प्रे करेगा। इस केमिकल का एक टेम्परेचर लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट के आसपास है, जो कोई भी जानवर का स्किन को जला सकता है। अफ्रीकन पोर्क्यूपाइन ये जानवर का कांटा इतना बड़ा है कि ये कोई जानवर का इंटरनल ऑर्गन्स को भी छेदा कर सकता है,
जब भी इसके ऊपर अटैक किया जाए तो ये पीछे के तरफ या साइड के तरफ हिल जाता है ताकि उसका शिकारी के शरीर में इसका कांटा गड़ जाए। कभी कभी दौड़ने के बीच में भी ये रुक जाता है ताकि इसका शिकारी आके इसके ऊपर गिरे और इसका कांटा से वो बांध जाए। लिजर्ड्स, कई टाइप का चिपकली आप देखे होंगे जिसके ऊपर ज़रा सा हमला करते ही उसका पूंछ तो वो शरीर से अलग कर देता है। शरीर से अलग होने के बाद भी इसका पूंछ कई देर तक हिलते रहता है जो इसका शिकारियों को भ्रमित करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।